चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आपका हमारी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां भाजपा जजपा सरकार यानी गठबंधन सरकार हर फैसले पर फैल। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम बात करते हैं भाजपा जजपा गठबंधन की असफल होना, कैसे होना। आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा कि भाजपा जजपा सरकार राम भरोसे चल रही। पहले बात करते हैं हम, जहां पहले घोषणा कर दी गई थी कि हरियाणा के अंदर प्राइवेट स्कूलों में, जहां 134 ए की धारा पर प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, उसको लेकर सरकार ने कहा था कि अब आगे से एडमिशन शुरू नहीं होंगे। लेकिन बाद में सरकार ने 10 दिन के अंदर ही फैसला बदल दिया और उन्होंने कहा कि अब सरकार ने फैसला लिया है कि प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लिया जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है खेल कोटा। खेल कोटा की बात करें तो सरकार ने घोषणा की थी कि खेल कोटा बंद कर दिया गया। पहले तो उन्होंने घोषणा की, फिर बाद में 10 दिन के अंदर वो भी बदल दिया, देखो खेल कोटा 3% है जो वो रहेगा। उसके बाद आया अब भाई खेल स्टेडियम के अंदर, जो भी खेल स्टेडियम के अंदर घूमने जाएगा या खेलने जाएगा उसको 100 से 500 रुपए तक पैसा देना पड़ेगा, रुपए देने पड़ेंगे यानी एंट्री करने के। लेकिन अब सरकार ने फिर, संदीप खेल मंत्री हैं जो संदीप सिंह, उन्होंने घोषणा की कि निःशुल्क रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार आखिर चाहती क्या है। अगर बाद में जो फैसला पहले लेती है उस पर चाहे तो अमल करना चाहिए, उसको सुचारू रूप से चल देना चाहिए, या उसको घोषणा भी कर देती है फिर बाद में उसको वापस ले लेती है। आखिर क्या माजरा है, आखिर सरकार चाहती क्या है? क्या फैसले लेने में असमर्थ हो रही है सरकार, या गठबंधन सरकार में आपसी तालमेल ठीक नहीं है? आखिर क्या सिस्टम है? आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।